नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाय। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। मेरे क्षेत्र में किया, आने वाले दिनों में भी आपकी जो भी समस्या होगी, राज्य के मंत्री के नाते, इस क्षेत्र के विधायक के नाते, उन समस्या के समाधान के लिए हर हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये समाज का संगठन, ये प्रदेश का संगठन ठीक तरह से काम करे और यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं हैं उस समस्याओं का हमारे पास लेके आए और हम सब भी उस समाज समस्याओं का समाधान में मदद करें। आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा स्वागत किया, हमारे प्रति जब जब आवश्यकता हुई हमारी अपेक्षा से ज़्यादा इस प्रदेश ने हमें स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी के प्रति आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कृपा शंकर जी बड़े उन्होंने बताया कि हमारे समाज के लिए भी हमें समाज का यानी उत्तर प्रदेश का किसी एक ऐसा भवन बने और उस भवन के जरिए हम हमारे उत्तर प्रदेश का वहाँ काम कर सके, समाज की समस्याओं को निपटा सके। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप अगर जमीन ढूंढ सके तो ढूंढ ले, नहीं तो उसमें मैं मदद करूँगा। और उत्तर प्रदेश को अपने भवन के लिए जमीन बने मिले उसके लिए मैं जरूर सरकार के अंदर मदद करके उसका समाधान निकालूंगा। आवा धन्यवाद बापू श्री। हमारे बीच महाराष्ट्र से पधारे भाजपा के महामंत्री अमरजीत मिश्रा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, सीए पंकज जायसवाल जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, ये सभी महानुभाव बांध के भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारतीय विकास मंच के प्रावधान में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिन के उपलक्ष में हमारे बीच उपस्थित हमारे परम मित्र राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि परमादरणीय प्रदीप सिंह जी जाडेजा, ऐसे ही करीबन 25-30 सालों से हमारी इस संघर्ष के साथी रहे ऐसे परम पूज्य धर्माचार्य विभाग के पूज्यपाद संत अखिलेश्वर दास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित, महाराष्ट्र पधारे हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री और इस मंच के सदैव शुभ चिंतक आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की जो कड़ी है ऐसे परमादरणीय अमरजीत मिश्रा जी, हमारे विधायक आदरणीय जगदीश भाई पटेल, बापूनगर के विधायक आदरणीय हिम्मत सिंह जी, ऐसे ही हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जगरूप सिंह जी, हमारे मंच के अध्यक्ष। नमस्कार, मैं परत राठौर, आप देख रहे हैं इसी वक्त हिंदुस्तान की आवाज न्यूज। हिंदुस्तान की आवाज न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वहाँ उनका मत क्षेत्र है, विधानसभा और मत लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो अभी अभी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन और वही उत्तर प्रदेश आज गुजरात में भी एकदम बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रम के बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो यहाँ के दो अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है कि किस टाइम ये कार्यक्रम आज स्थापित होगा और कितने टाइम और कौन कौन मेहमान यहाँ पे पधारने वाले हैं? नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्थापना दिन, वैसे उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, आज उसका 71वां जन्मदिन है और गुजरात में पहली बार हम लोग उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मना रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बार तीसरी बार मना रहा है, महाराष्ट्र में 31वीं बार मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ की आबादी वाला देश है,
गंगा जमुना की नदी की तरजही पर बहने वाली नदियों का देश है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में माना हुआ एक उपखंड है बस्ती की दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश का उस देश के हम लोग रहने वाले हैं, उस देश की माटी की जो खुशबू है हमारे मन में आज भी है और उस खुशबू को प्रदर्शित करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मनाने का निश्चय किया है। उत्तर भारतीय विकास मंच के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में जी तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सजाने और बनाने में जो योगदान दिया है सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। उत्तर प्रदेश जो लोग हैं बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है तो उत्तर प्रदेश से अगर सरकार की तरफ से कोई मंत्री आ रहा है कि या फिर गुजरात की मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के भी मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी आ रहे हैं, दयाशंकर सिंह जी वहाँ के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आ रहे हैं और गुजरात के, क्योंकि हम लोग गुजरात वासी हैं, गुजरात में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की माटी से संबंध रखते हैं लेकिन पूर्णतः हम लोग गुजराती हैं और गुजरात के सारे मंत्रियों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। गुजरात के सारे मंत्री और सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये इसमें गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और ये पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा देखते हुए बहुत ही लोग आने वाले हैं और यहाँ पे मतलब एक ये जो उत्तर प्रदेश जो एक महत्वपूर्ण जो महत्व बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो राज्य माना गया है उसको आज स्थापना दिन के रूप में पूरे यूपी से लोग हैं वो उनको धामधूम से मनाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ भारत राठौड़, हिंदुस्तान न्यूज़, बस्तराल।